यो व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जुलिन। नमस्ते सब लोग, कैसे हों? तो आज मैं आया हूँ मेरे गांव। तो यहाँ पे आज जो है एक ट्रेडिशनल कल्चर दिखाने वाला आपको, जहाँ पे क्या है कि सारे गांव वाले जो है अपने पशुओं को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, वहाँ से जो है उनको पहाड़ पे लेके जाते हैं वो वहाँ, और वहाँ पे 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे घास फूस जो खाने के लिए समर में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नीचे यहाँ पे वैलीज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया गया है उनके लिए, क्योंकि विंटर में जो है बहुत ठंड रहता है, ताकि उनको जो है गर्माहट मिले। तो ये रहा जो चीजों दंगार दोनों पाम इस वाले गाय का जो है, जिसका सिंह है, उसका कल बेबी हुआ था। यहाँ पे बेबी दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। इन दोनों में से एक जा रहा है, ये गाय तो दूध दे रहा है, तो ये वाला नहीं दे रहा, तो इसको लेके जा रहे हैं पहाड़ पे। तो यहाँ पे एक दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें जो है छोटा वाला जो जो भी ये रहा। ये देखो लगाम मिल गया, अब कुछ नहीं कर सकता, माला प्रोटेक्शन के लिए, एक बिलीफ है ये। अंडरग्राउंड शेल्टर, विंटर में बहुत गर्मी रहता है इसमें। अब जो है सरसों का तेल सींग पे लगाना बहुत ही सही रहता है, क्योंकि जो उनके सींग जो है नरिश हो जाता है। ये रहा, क्योंकि यंग जो जो होते हैं ये काफी लड़ते हैं यार गलों से। जो योगे ये जो हम जा रहे हैं उस पार, तो वो रहा सारे कैटल्स वहाँ पे इकट्ठे हो चुके। हमारे दो हैं इतने शैतान हैं, बस 2-3 जन अगर नहीं हो तो भाग जाते हैं। तकरीबन 150 होगा, 150 पशु। मिस्टर अर्गल, हाउ डू यू डू? फर्स्ट क्लास सर। क्या चीज करें? ये अच्छे नहीं हम। डिप्टी है, डिप्टी है जी। ये देखिए, ये है हमारे गांव के पशु, तकरीबन सारे घर से एक एक तो कभी मतलब हो गई, मतलब एक दो तो हो गई। पन्ना मिया ना पहुंची इसी के लिए दो सेम छोटा जुगा दो अंग ठीक कर मुझ मैं नहीं जुगा ना हम तो दुम सांसे ना बा फ्रांग फ्रांग ना फ्रांग चं दुग में दुग चंनी है चाचू फ्रांग 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 तो तंगा तो आधे पशु यहाँ से जा रहे हैं और आधे नीचे भाग गए। तो नीचे एक जन लेने के लिए गया है, वहाँ से ला के जो है आगे वहाँ पे मिलेंगे। थक गया भाई, पर जो हैट है और ये शीट्स है बड़ा काम आ रहा है आज। बस अब यहाँ से ये भाग नहीं सकते अब, क्योंकि इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, अब बीच में से जाएंगे। एक भाग के देखो, यही बताते बताते था एक भाग के पीछे से। अभी वेट करेंगे थोड़ा। यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा ब्रेक टाइम, और पशुओं को छोड़ दे यहाँ पे मैदान पे। ओके, तो ब्रेक टाइम ख़त्म होते हुए उसके बाद अब निकलने वाले हैं हम आगे। चलो ओके, यहाँ पे इस इलाके में जूनिपर प्लांट जो है हमें पाया जाता है यहाँ पे, और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे अपना रेजिडेंस बना के रहते हैं, ये गांव वालों का कहना है।
तो मोस्टली यहाँ पे जो है कैटल्स यहीं पे उनका खात्मा हो जाता है स्नो लेपर्ड के ज़रिए। तो इस इलाके को कहते हैं फुर्जा। बहुत सारे छोटे छोटे गुफा जो है इसमें पाए जाते हैं। ये ले तालाम फिर अलग तरह वाले आधे रास्ते हमने क्रॉस कर लिए। तो इस प्लांट को कहते हैं लचू। हम ऐसे खा भी सकते हैं इसे, और ये आयुर्वेदिक है, मेडिसिन की तरह काम करता है, अपने बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल रहता है। पहले से एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसे कहते हैं चरू। चरू मतलब मैरिज के टाइम पे लड़कियां जो है अपना उनका ड्रेस रहता है, उस ड्रेस के साथ साथ चरू करके एक और चीज़ रहता है वो पहनाते हैं। तो वो सेम डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ, तो लोगों ने इसको नाम लगा लिया चरू। एक यहाँ पे एक नीचे ये रहा। भाग गया एक, वहाँ से ला रहा है देखो। जबरा फिर से भाग गया देखो। हमारे गांव का ब्लॉगर यहाँ पे देखो। ये देखिए एक भाग के देखो। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। सुबह हमने 8 बजे अपना सफ़र शुरू किया, तो स्लोली स्लोली हम लोग असेंडिंग कर रहे हैं। यहाँ चो नबू स्कोर जी शोधम ये यूला सच्चन हो गया सच्चन सच्चन ओले सच्चन सच्चन यूला यूला दो रो पुलू पुलू सच्चन ने दो नो ने पुता2010 6
चीनार का चीनार तब जोग क्यों दे सचिन दो भाई थक गए बहुत गर्मी है यार थक भी गया चलो इतना गर्मी लेकिन शांत जगह है बिल्कुल वो तो मस्त वेरी नाइस हमारा भाई थक गया देखो दोनों टूटा दोनों ने बिल्कुल टूटा पूरा खत्म हो गया यार जान नहीं रहा अभी चलते चलते 48 साल हो गए चलते चलते 48 साल हो गए इधर अच्छा नहीं नहीं आता तभी Kettles, kettles everywhere. तेरे ताते हो मगे गाना तो आधे लोग यहाँ पे पहले आके प्रेयर व्हील को फिक्स कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे जो है अपना कैंपिंग लगाया हुआ था कुछ पका रहे हैं देखो प्रेशर में प्रेशर कुकर में नहीं इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद रिफ्रेशमेंट कप नूडल ngala junubu ya jule jule ngala mangal ya le tabana pat shopping ngala ngala nono ya jule break time ho gaya ab thoda rest karenge uske baad aage nikal jayenge to abhi time ho raha hai 2:40 to subah se leke abhi tak chala refreshment mila sabse badi baat yahan pe jo pehle gaye jinhone prayer wheel ko fix kiya unhone yahan pe maggi bana ke rakha to maggi jo piya uske baad jo maza aaya na bas beyond imagination tera chare khes pa shorba ha dulai ha da तो यहाँ पे ये अपना टाइम जो है यहीं पे गुजारने वाला है 2-3 महीने यहीं पे रहेंगे इससे भी ऊपर जाने का रास्ता है वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब खान पान का वहाँ पे बहुत अच्छा है स्प्रिंग वाटर ये है स्प्रिंग वाटर स्ट्रीम वाटर वहाँ से जा रहा है स्प्रिंग वाटर यहाँ पे है माउंटेन ऑफ फ्लावर्स मेंतो गंगसा इसे कहते हैं तो आखिरकार टॉप पर पहुँच गए तो अभी हम लोग वहाँ नीचे थे सारे पशुओं को ऊपर तक लाया ये रहा ये देखो एक भाग रहा था वापस ला रहे हैं ओके फाइनली पहुँच गए तो इनका यहाँ पे ठिकाना है तो जो एनुअल कैटल ग्रेजिंग कल्चर रहता है हर एक गाँव में रहता है वो आज यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ पे हमारे दो लोग जो है ड्यूटी निभाते हैं वो इधर 2 महीने के लिए वो यहाँ पे पुलु के अंदर रहते हैं टेम्परेरी शेल्टर कहते हैं मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में पुलु मतलब ये जो छोटा वाला बिल्डिंग देख रहे हो घर देख रहे हो उसके अंदर रहते हैं मतलब गर्म रहता है तो जो है सुबह सुबह उनको जो है पहाड़ पे ग्रेज करने के लिए लेके जाते हैं शाम को दोबारा यहाँ पे लाते हैं तो ऐसा ही सिलसिला जो है पूरा समर चलेगा अब यहाँ पे तो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप यू ऑल गोना लाइक माय वीडियो बाय 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 टेक केयर तो कपिल यहाँ पे सारे पशुओं का ध्यान रखेंगे 3-2-3 महीने के लिए तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं